किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये सवाल रहा। फिर सुनिए, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। सवाल का पहले भाग। दूसरे भाग में है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, ऐसा करने से क्षेत्रफल में 9 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्या होता है। इस दशा में ना आयत की लंबाई मालूम है ना ही चौड़ाई मालूम है, क्योंकि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ही 2C है और इसमें शब्द समस्या दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो शब्दों को पढ़ के ही हमको समीकरण तैयार करना होगा और फिर समीकरण को हल करके आंसर प्राप्त करना होता। तो सबसे पहले चर मान नहीं पता, जो दो राशि हमको चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि आयत की लंबाई, क्योंकि लंबाई तो नहीं पता है, लंबाई बराबर x, क्या लिख लिए x, एवं आयत की चौड़ाई बराबर y, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लंबाई x, चौड़ाई y, तो क्या हो गया x इंटू वाई, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल हो गया। देखिए आयत इस तरह सा होता, ध्यान से दीजिए, ये आयत आपका है, बहुत विद्यार्थी को नहीं पता होगा तो ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा, सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएगा। ये हुआ आपका आयत। आयत की विशेषता क्या होती है कि इसके चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? चारों कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का संकेत है। और आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं? आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये रहा आयत का प्रॉपर्टीज। और क्या प्रॉपर्टीज है कि इसके आयत के जो विकर्ण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। ये मूलों से इतना कम से कम अभी याद रखिए। और आयत का ये अगर लंबाई हो गया तो ये क्या हो गया? चौड़ाई। देन इसका क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा एल गुने बी। तो ये आयत के क्षेत्रफल होते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इसके विकर्ण की बात कीजिएगा तो आयत का जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वह रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होता है। इस विकर्ण आयत में सबसे बड़े से बड़े कोई अगर टुकड़ा रखना है कोई चीज़ का, छड़ वगैरह का, तो वह विकर्ण के बराबर रखा जाता है। तो ये रहा आयत के संबंध में। आइए क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा गया है, क्योंकि आयत से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले हमने आयत के संबंध में कुछ आपको बता दिया। ठीक है, जानकारी हो गया आयत के बारे में, समझ गया। अगर फिर भी आयत में कोई डाउट रह गया तो आप हमको बताइए कि ये डाउट रह गया, फिर से हम आपको अगला सवाल में कोशिश करेंगे कि आयत से संबंधित चीज़ों को और अधिक बता दें ताकि वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो आयत की लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? x गुने y, यानी कि एक्स वाई हो गया। प्रश्न के अनुसार क्या कहा, सर देख लीजिए प्रश्न के अनुसार कि लंबाई में और चौड़ाई में, तो लंबाई में 3 बढ़ाना है, लंबाई में कितना बढ़ाना है? 3 बढ़ा वृद्धि कर देना है, और चौड़ाई में 2 वृद्धि करना है। ऐसा करने से क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल के लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, तो एल इंटू बी, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो, गुना कर दिए, तो पहले वाले क्षेत्रफल जो है एक्स हुआ, इसमें 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, पहले वाले में बढ़ जाता है। यानी कि अभी जितना है ये क्षेत्रफल नया जो हुआ, ये 67 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होता है किससे? एक्स वाई वाले क्षेत्रफल से। तो ये तो ऑलरेडी है, ये ज्यादा तो है ही, ज्यादा आया है, तो पहले वाले में 67 जोड़ देंगे तो वह दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया, बराबर होने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। अब समीकरण बन गया एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स, इससे इसमें गुना होगा, फिर इसी एक्स से इस दोनों में होगा, बारी बारी से। ठीक है,
तो एक्स गुने वाई तो एक्स वाई, और एक्स गुने टू तो हो जाएगा टू वाई। अब जिस तरह से एक्स से इस दोनों में हुआ है गुना, उसी प्रकार से वाई से सॉरी ये थ्री से भी इस दोनों में बारी बारी से गुना होगा। तो थ्री इंटू वाई थ्री वाई, और थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया था, ज़रूरी नहीं है कि आप भी बनाएं। ये थ्री है आपका, मैं फिर से लिख देता हूँ, इक्वल एक्स वाई प्लस सड़सठ, बराबर के दोनों तरफ समान मान और समान चिन्ह रहता है तो वह कट जाता है, उसको जीरो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको भी इसको काट सकते हैं या इधर उधर करेंगे फिर भी वो प्लस माइनस होकर के जीरो हो जाएगा। देन फाइनल इधर क्या बच गया आपका, इधर जो बच गया आपका सॉरी ये थ्री ये एक्स गुना होगा टू में तो ये टू एक्स रहेगा। तो ये हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये छः प्लस में है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो सड़सठ में से छः घट जाएगा तो कितना बचेगा इकसठ सिक्स वन। ये समीकरण एक हो गया। कहा है कि लंबाई में तीन बढ़ाने से चौड़ाई में दो बढ़ाने से जो क्षेत्रफल है उसमें सड़सठ वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाता है, तो बढ़ाया तो वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो गया, तो पहले वाले में सड़सठ जोड़ दिए तो दोनों क्षेत्रफल पहले का और अब का दोनों बराबर हो गया। इस तरह सॉल्व किए तो समीकरण एक हमको निकल गया टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर इकसठ, ये समीकरण एक रहा। ठीक है, ठीक से देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, इसको उतारते चलिएगा। ठीक है, आयत वाला जो बता है उसको भी आप बैक करके देख लीजिए, और आयत का भी जो फॉर्मूला हमने लिखा विकर्ण का और एरिया का दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया। इसी प्रश्न के दूसरे भाग में जो कहा गया है वो बात जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरे भाग में क्या कहा गया है कि लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। लंबाई में 5 घटाना है और चौड़ाई में 3 बढ़ाना है, ऐसा करने से क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो देखिए पुनः प्रश्न से, अगर यहाँ बनाना चाहे तो पुनः प्रश्न से लिखना होगा, क्योंकि प्रश्न के दूसरे भाग में आ गए। तो पुनः प्रश्न से क्या कहा गया कि लंबाई में 5 घटा दिया जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए, इस तरह से जो क्षेत्रफल होंगे वो 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाएगा। तो पहले से क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, तो पहले से ये 9 कम है, तो ये 9 कम है तो इसमें भी 9 कम करना होगा, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। बराबर हो गया यानी कि ये समीकरण बन गया। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो एक्स गुने वाई फिर एक्स से क्या होगा, इस दोनों वाले इस दोनों में बारी बारी से गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो गुना कीजिए एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई एक्स गुने थ्री प्लस थ्री एक्स, क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब माइनस फाइव से भी दोनों पद में बराबर बराबर गुना होगा एक एक करके, तो माइनस फाइव गुने वाई तो माइनस फाइव वाई, माइनस गुने प्लस यानी कि माइनस, पाँच दिया 15 बराबर एक्स वाई बराबर माइनस 9। ठीक है, दिख रहा है, अगर नहीं दिखता है तो निश्चित तौर पे आप हमको कमेंट में यूट्यूब में वीडियो में लिख के बताइए नीचे, ताकि मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूँगा। वॉयस मिल रहा है, देख लीजिए चेक कीजिए वॉयस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा जरा चेक कर लीजिए और बताइए कि वॉयस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो नो लिखिए, मिल रहा है तो यस यस लिखिए फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए, तो आवाज़ स्पष्ट दिख रहा है तो यस यस लिखिए, ओके ओके ठीक है। कुछ लोग बोल रहे नहीं, ठीक से देख लीजिए सबको मिल रहा है, चलिए आगे देखते हैं। बराबर के दोनों तरफ हो गया एक्स वाई कैंसिल हो गया और ये बचा 3x माइनस 5y और ये माइनस 15 है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बराबर बचेगा 6, 9 घट जाएगा, तो समीकरण 2 हो गया।
तो हमें समीकरण एक और समीकरण दो दोनों प्राप्त हो गया, समीकरण एक और समीकरण दो हो गया। अब समीकरण एक और दो से हल करके हमें x और y का मान निकालेंगे, जो लंबाई और चौड़ाई होगा आयत का। ठीक है, ये आपका रहा समीकरण एक और ये रहा समीकरण दो। अब आइए यहाँ पर देखिए, तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से। देखिए यहाँ पे आपका जो है ये अलग अलग समीकरण है, दोनों पद के x वाले में दो है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें पाँच। तो x और y दो पद वाले समीकरण हैं, दो चर वाले हैं। किसी भी एक चर को दोनों समीकरण में गुणांक बराबर करना होता है। तो अगर समीकरण एक और दो में x y वाले पद को बराबर करते हैं तो इसमें है पाँच, इसमें है तीन, तो तीन और पाँच मिनिमम कितना के बराबर हो सकता है गुना करके कोई भी अंक से, तो मिनिमम कितना के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा पंद्रह के बराबर। इसमें पाँच से गुना कर दीजिए, इसमें तीन से, इससे कम में कोई उपाय नहीं है बराबर होने का। दोनों जो होगा दोनों का गुणज पंद्रह के बराबर, निश्चित तौर पे सबसे फर्स्ट गुणज होगा जो दोनों के बराबर होगा, यानी कि दोनों को हम लोग पंद्रह के बराबर करना होगा। इसके लिए करना क्या होगा, तो समीकरण एक में पाँच से गुना करेंगे और समीकरण दो में तीन से गुना करेंगे। ऐसा करने से समीकरण का दोनों वाई वाला पद के गुणांक जो होगा बराबर हो जाएगा और लुप्तीकरण विधि से बनाने में आसान होगा। हालांकि और भी मेथड है, हम आपको लुप्तीकरण विधि से ही बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो समीकरण एक में अगर गुना करते हैं पाँच से, तो पाँच दुना दस, दिख रहा है, पाँच दुना दस और पाँच दिया पंद्रह वाई बराबर में कितना है इकसठ, तो पाँच से गुना हो जाएगा, तो पाँच एकम पाँच, पाँच छः तीन सौ पाँच। ठीक है, ये समीकरण एक में गुना करने से समीकरण तीन बन गया, क्योंकि दो तक वहाँ था। अब दो में तीन से गुना करना हो, तो तीन तीय नौ एक्स माइनस तीन पचे पंडा वाई। ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ वाई, और फिर तीन से गुना होगा छः में, तो तीन छः अठारह, ये हो गया समीकरण चार। इस तरह से आप देखेंगे तो समीकरण एक और दो दोनों का और हाथ में एक एक जीरो एक 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 दो और ये तीन का तीन रह जाएगा, सॉरी आठ पाँच तेरह। ठीक है, अब उन्नीस गुना में जाकर भाग में है कट जाएगा, तो उन्नीस एकम उन्नीस बचेगा तेरह, बत्तीस में से उन्नीस के तेरह तैंतीस, तो सत्रह नौमा उन्नीस सत्रह एक सौ तैंतीस, उन्नीस सत्रह एक सौ तैंतीस। एक्स का मान कितना आ गया सत्रह। अब लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे समीकरण एक से, देख लीजिए एक्स का मान कितना निकल गया सत्रह निकल गया, यानी कि लंबाई हमारे पास हो गया सत्रह। अब समीकरण एक में इसी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो हमें निकल जाएगा कितना वाई निकल जाएगा, तो टू इंटू सत्रह प्लस थ्री वाई बराबर इकसठ मालूम है, थ्री वाई बराबर इकसठ, सत्रह दूना चौंतीस, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा चौंतीस, तो वाई बराबर कितना बचेगा इकसठ माइनस चौंतीस बराबर सत्ताईस, तो वाई बराबर ये कट जाएगा नौ, यानी कि वाई का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, वाई का जो मान हो गया वह आ गया नौ। अब आइए, अतः प्रश्न में क्या कहा गया कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल हम क्या ज्ञात किए थे, पीछे आप वीडियो बैक करके देखिएगा तो वहाँ लिखा होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, और x का वैल्यू कितना मालूम है सत्रह और y का नौ, सत्रह गुने नौ, सत्रह नमा एक सौ तिरपन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, नंबर आपके काटे जा सकते हैं, अगर लिख देंगे तो 100% ये सही हो जाएगा, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जितना नंबर